फ्रेंड्स, यस्टरडे वी हैव डन एडिशन ऑफ फोर डिजिट नंबर्स विद कैरिंग. यस, नाउ टुडे वी विल डू एडिशन ऑफ मोर देन टू नंबर्स. ठीक है, अभी तक हमने जो भी एडिशन किए वो टू नंबर्स के थे, चाहे वो थ्री डिजिट हो या फोर डिजिट हो. आज जो हम एडिशन करेंगे वो दो से ज़्यादा नंबर्स का करेंगे, मोर देन टू नंबर्स. ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विजिटिंग अ जू ऑन द फर्स्ट फोर डेज. तो फोर डेज में इतने इतने बच्चे जू देखने गए, तो इनको ऐड किया है यहाँ पर. ठीक, तो ऐड करने का तरीका वही रहेगा, बस ये है कि नंबर्स हमें ज़्यादा ऐड करने पड़ेंगे. अगर अभी तक दो नंबर्स ऐड किए थे, अब हमें फोर नंबर्स या थ्री नंबर्स ऐड करने पड़ सकते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में. ओके, तो जैसे टू नंबर्स ऐड किए वैसे ही फोर नंबर्स भी, सिक्स एंड नाइन, फिफ्टीन, फिफ्टीन एंड टू, 17, 17 एंड 5, 22, 22 का 2 कैरी 2, 2 एंड 2 4, 4 एंड 4 8, 8 एंड 1 9, 9 एंड 4 13, 13 का 3 कैरी 1, 1 एंड 1 2, 2 एंड 3 5, 5 एंड 5 10, 10 एंड 2 12, 12 का 2 कैरी 1 और ये 1. ठीक है, तो ऐड वैसे ही करना है लेकिन नंबर्स ज़्यादा हो जाएंगे. ये यहाँ पर पूरा उसी को एक्सप्लेन करके बताया है जो मैंने भी आपको बताया. जैसे फर्स्ट रो में 6 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 22 वंस. 22 वंस मीन्स 20 वंस प्लस 2 वंस. तो 20 वंस जो है वो उसका मतलब हुआ 2 टेंस एंड 2 वंस. तो इसलिए 2 वंस यहाँ लिखेंगे और 2 टेंस यहाँ टेंस के कॉलम में ले जाएंगे. ठीक है, देन ऐड ऑल द डिजिट्स एट द टेंस प्लेस. 2 जो कैरी होकर आया वो प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 13 टेंस. तो 13 टेंस इज इक्वल टू 10 टेंस प्लस 3 टेंस. तो 10 टेंस हो गए 100 के बराबर और 3 टेंस 3 टेंस. ठीक है, तो जो 3 था उसको हमने यहाँ पे रखा टेंस के कॉलम में और जो ये 100 था इसको हम ले गए 100 के कॉलम में. ठीक है, फिर हंड्रेड्स को ऐड किया 1 जो कैरी था ये, और उसके बाद 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 1200. 1200 मीन्स 1000 प्लस 200, है ना. तो और 1000 का मतलब 1000, तो 1000 प्लस 200. तो क्या करेंगे, 200 जो है उसको 100 के कॉलम में लिखा और 1000 को 1000 के कॉलम में कैरी ले लिया. एंड ऑल उसके बाद ऑल द डिजिट्स एट थाउजेंड्स प्लेस. तो थाउजेंड की प्लेस पे कोई यहाँ पर डिजिट नहीं था, तो जो हमने कैरी लिया था केवल वही यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक और देखो एग्जांपल. यहाँ पे सारे थ्री डिजिट नंबर्स थे ना, यहाँ पे फोर डिजिट नंबर्स भी हैं. फोर डिजिट के थ्री नंबर्स हैं और उसमें थ्री डिजिट का वन नंबर है, तो उसमें भी एडिशन वैसे ही करना है. फोर एंड सेवन इलेवन, इलेवन एंड फाइव सिक्सटीन, सिक्सटीन एंड फोर 20, 20 का 0 कैरी 2, 6 एंड 2 8, 8 एंड 6 14, 14 एंड 7 21, 21 का 1 कैरी 2, 8 एंड 2 10, 10 एंड 9 19, 19 एंड 7 26, 26 एंड 8 34, 34 का 4 कैरी 3, 3 एंड 2 5, 5 एंड 3 8, 8 एंड 1 9. ठीक है, तो एडिशन वैसे ही है सिंपल जैसे होता है, बस नंबर्स चेंज हो जा रहे हैं, टू डिजिट थ्री डिजिट हो जा रहे हैं या टू से ज़्यादा नंबर्स हो जा रहे हैं. ठीक है, तो इसी पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है सेल्फ प्रैक्टिस 3E. इसके कुछ क्वेश्चंस मैं करूँगी बुक में और कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद से करेंगे. ठीक है, फर्स्ट वन इज 8 एंड 5 13, 13 का 3 कैरी 1, 6 एंड 1 7, 8 एंड 7 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 एंड 2 5, 5 एंड 1 6. ओके, नाउ 8 एंड 6 14, 14 का 4 कैरी 1, 7 एंड 1 8, 8 एंड 8 16 का 6 कैरी 1, 1 एंड 1 2, 5 एंड 3 8. ठीक है, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ वाला, चलो सिक्स्थ वाला करते हैं. 8 एंड 5 13, 13 एंड 4 17, 17 का 7
carry 1. 6 and 1, 7. 7 and 7, 7 2 जा 14. 6 and 1, 7 and 7 and 7, दोनों को ऐड करने की जगह हम उसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. तो 7 and 7, 14. 14 and 6, 20. 20 का 0, carry 2. 4 and 2, 6. 6 and 5, 11. 11 का 1, carry 1. 3 and 1, 4. 4 and 2, 6. 6 and 3, 9. Okay? Now 9 and 5, 14. 14 and 2, 16. 16 का 6, carry 1. 9 and 1, 10. 10 and 5, 15. 15 का 5, carry 1. 2 and 1, 3. 3 and 2, 5. 5 and 7, 12. 12 का 2, carry 1. 3 and 1, 4. 4 and 3, 7. 7 and 1, 8. Okay? Now next sum. 4 and 3, 7. 7 and 5, 12. 12 and 8, 20. 20 ka 0, carry 2. 4 and 4, 8. 8 and 2, 10. 10 and 9, 19. 19 and 8, 27. 27 ka 7, carry 2. 6 and 2, 8. 8 and 7, 15. 15 and 5, 20. 20 and 8, 28. Carry 2. 2 and 1, 3. 3 and 3, 6. 6 and 2, 8. Okay, now last sum karte hain. 8 and 2, 10. 10 and 4, 14. 14 and 1, 15. 15 ka 5, carry 1. 1 and 1, 2. 2 and 7, 9. 9 and 9, 9 2 ja 18. 18 ka 8, carry 1. 7 and 1, 8. 8 and 8, 8 2 ja 16. 16 and 9, 25. 25 and 4, 29. 29 ka 9 and carry 2. 2 and 3, 5. 5 and 1, 6. 6 and 1, 7. And 7 and 2, 9. ठीक है? तो कुछ questions मैंने छोड़ दिए हैं, उनको आप लोग अपने से practice करके करेंगे, ठीक है? आज इससे आपकी practice भी हो जाएगी और आपका work भी complete हो जाएगा. तो ये work केवल book में ही करना है, ठीक है? Notebook में जब मैं भेजूंगी तभी लिखना है, okay?